हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमीज यू पी एस सी आर्टिक्युलेट यूट्यूब चैनल दोस्तों मेरा नाम अविनाश अग्रवाल है दिस इज पार्ट थर्टी नाइन ऑफ करंट अफेयर्स एम सी क्यूज डिस्कशन वी शूड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर यू पी एस सी प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग फिल्म एग्जामिनेशन दोस्तों इफ यू कैन हेयर मिफ दियर एंड द वीडियो प्लीज गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन जैसे कि मैम आप, मैंने आपको कहा कि दिस इज लेक्चर नंबर थर्टी नाइन मेरी उम्मीद है कि आपने पहले के थर्टी एट लेक्चर्स देख लिए हैं उनसे रिलेटेड नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लिए फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अविनाश और सारी चीजों को अच्छे से आपने पढ़ के रिवाइज कर लिया दोस्तों सो इफ यू कैन हियर मी विफ द ऑडियो स्क्रीर एंड द दीडियो स्क्री प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन राइट सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन दोस्तों राइट सो दिस इज द एजेंडा वी आर सोल्विंग बेसिकली टेन हाई क्वालिटी एम सी क्यूज विथ यू पी एस सिलिम्स ओरिएटेशन एट नाइन फिफ्टीन ए एम थोड़ा सा लेक्चर को मैंने पीछे शेड्यूल करा हुआ है दोस्तों थोड़ा जल्दी शेड्यूल करा हुआ है बिकॉज ऑफ द शेड्यूलिंग कंस्ट्रेंट्स एंड टेलीग्राम के ऊपर आपको इसका डिटेल्ड नोट मिलेगा टू फिफ्टी न्यू एंड यूनिक टॉपिक्स पर मंथ हम के साथ डिस्कस करने लग रहे हैं एंड सैटरडे को अभ्यास टेस्ट लेने लग रहे हैं इसी करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर सो कैन वेरी क्लियरली सी दोस्तों की पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा जा रहा है आपकी करंट अफेयर्स की नीड्स का क्वेश्चन नोट्स टेस्ट सारी चीज़ें आपको दी जाने लग रही है इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओके यू शुड ज्वाइन द अन अनअकेडमी प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट आपको पहले करना चाहिए दोस्तों वो आपको करेंगे अगर आप तो आपको थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर लिटरली देखने को मिलेंगे फ्री कॉस्ट के अंदर दोस्तों are, are classes, डेली बेसिस देर आर हंड्रेड्स ऑफ एडुकेटर्स कंडक्टिंग डेली बेसिस के ऊपर फ्री लाइव क्लासेस मैंने भी कई सारी फ्री लाइव क्लासेस आपके लिए बना रखी रखें जैसे फॉर एग्जांपल रमेश सिंह सर की जो किताब है इंडियन इकोनॉमी उसका मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको समरी प्रोवाइड करा हुआ है तो ये चैप्टर बाय चैप्टर समरी अगर आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमी सब्जेक्ट से बहुत प्यार हो जाएगा दोस्तों बहुत अच्छे से सा आपको सारी चीजें समझ में आएंगी वट यू शुड डू इज दैट यू शुड कम ऑन टू अवर प्लेटफॉर्म यूज रेफरल कोड अव यू राइट फॉलो मी ताकि आप मेरे सारे लाइव क्लासेस देख सकें ताकि आप मेरे सारे कोर्सेज के बारे में जा, बेहतर जानकारी हासिल कर सके दोस्तों राइट मूविंग हेड आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए एक प्लस कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर अठारह लेक्चर्स के अंदर आपको अठारह महीने का करंट अफेयर सिखाया जाने लग रहा है उस पूरे कोर्स का टाइम टेबल आपके सामने रख दिया है ऑलरेडी ये कोर्स को स्टार्ट कर दिया जा चुका है दोस्तों एटीन ऑगस्ट यानी कि कल इसका पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें जुलाई ट्वेंटी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करा गया है आज यानी कि नाइन्टीथ ऑगस्ट को जून ट्वेंटी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करा जाएगा आपको इस प्लस कोर्स के अंदर जुड़ना चाहिए दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा फायदा आपको मिलेगा बहुत अच्छे से आपका पूरा पूरा रिविजन हो जाएगा डेढ़ साल के करंट अफेयर्स का दोस्तों डेज टू गो फॉर द एग्जामिनेशन एन आपको दो महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहा है ओनली तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए दोस्तों हमने इंडिपेंडेंस डे के दिन आपके लिए कई सारे लेक्चर्स कंडक्ट करे थे के डिटेल्स आपके सामने रखे हैं अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को मिस आउट कर दिया तो आपको इसको जरूर देखना चाहिए दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर के जो सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स वो यहाँ पर है आप देख सकते हैं दोस्तों वन ईयर का आपको जीएस प्लस ऑप्शनल का जो सब्सक्रिप्शन दैट इज अवेलेबल ली एट फोटी नाइन सिक्स सेवेंटी नाइन इफ यू यूज माई रेफर कोड अभी यूपीएस गट ए फर्दर टेन परसेंट डिस्काउंट दोस्तों फोर्टी नाइन सिक्स सेवेंटी नाइन माइनस टेन परसेंट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शनल कार्निवल है जिसमें इलेवेंथ ऑगस्ट एटीन ऑगस्ट को कई सारे ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि वन ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ जो हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं बड़ी कॉम्प्रेसिव टेस्ट सीरीज दोस्तों उसमें इक्कीस तो आपके ऑप्शनल के टेस्ट है एट्टी आपके प्रेम्स प्लस मेन्स के टेस्ट यानी कि जीएस के टेस्ट है, है दोस्तों कुल मिला कि वन जीरो वन टेस्ट आपको दिए जाने लग रहे हैं विद अंग विन ईयर सब्सक्रिप्शन दोस्तों राइट वन ईयर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको लाइव बैचेस ज प्रज बोक्स ऑप्शनल बैचेस बैचेज ए टू जेड सारी चीजें दी जाने लग रही है बड़े घर बैठ के आराम से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों राइट right? अभी यूपीएससी कोड आपने यूज करना है फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट ट इफ यू नीड अ लोन फॉर्म अकेम लोन भी अवेलेबल एट जीरो प्रोसेसिंग फी एंड जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट ट्वेंटी बुक्स आपको दी जाने लग रही है विद वन ईयर सब्सक्रिप्शन एंड अब इन बुक्स के अंदर आपको करंट अफेयर पीवाईक्यूज डिटेल्स सिलेबस का कवरेज सारी चीजें मिलने लग रही है कॉम्बैट के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए दोस्तों जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका फीडबैक ये फॉर यू नो डूइंग रिविजन फॉर देखने के लिए कि कितनी अच्छी तैयारी चल रही है नहीं चल रही है दोस्तों तो फ्री टेस्ट कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है हजारों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉट मिस आउट ऑन दिस टेस्ट दोस्तों सो so, अभी यूपीएससी कोड आपने यूज करना है एवरी संडे एट इलेवन एम आपको कॉम्बैट देना है जिसके अंदर एक घंटे में आपको लाइव टेस्ट देकर मालूम पड़ेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चलने लग रहा है दोस्तों तमिल के भी बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं अन द्वारा सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इक्कीस बाईस तेईस के पूरे बैचेस का डिटेल यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है प्लस एंड आइकॉनिक मेंबरशिप के फायदे एज वेल एज कॉस्ट आपके सामने रखे हुए दोस्तों दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोना डिस्कस टुडे राइट ये लेक्चर 37 सेवन एंड थर्टी के टॉपिक्स है अगर आपने मिस कर दिया तो आपको देखना चाहिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स ट्वेंटी को न्यूज में देखा गया था राइट right? हाल फिलहाल में लॉन्च करा गया रिलीज करा गया इन रूल्स को फॉर्मली आपको बताना है कि दिए गए तीन स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है मैनुफैक्चर इंपोर्ट स्टॉक डिस्ट्रीब्यून सेल एंड यूज ऑफ आइडेंटाइड सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी प्रोहबिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट सो कौन सी कौन सी चीजों को प्रोहिबिट करा जा रहा है सो फार सिंगल यूज प्लास्टिक्स इज कंसर्न मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड यूज क्या इन सारी चीजों को प्रोहिबिट करा जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये आपको डिसाइड करना है The ban will also apply to commodities made of compostable plastic. The permitted thickness of the plastic bags, currently 50 microns, will be increased to 75 microns and to 120 microns gradually. statement consists statements correct. Please share your answer for the first question regarding plastic waste management rules 2021. But what is the correct statement over here? So, Nilesh, your answer is A, that is one only, right? So, Nilesh, I would request you to please reconsider your answer. Jalaj, your answer is one A. I would request you to reconsider your answer, right? जो आंसर आप लोग दे रहे हैं दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स है दोस्तों इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके हाल फिलहाल के अंदर यूपीएससी रूल्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछ रही है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इट्स अ बिग वेरी बिग मैनेज सो फार एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज कंसर्न देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट इसके अंदर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है राइट निले नाउ यू हैव गिवन दैट द आंसर शुड बी सी योर आंसर इज करेक्ट यहां पर आंसर दोस्तों सी होना चाहिए लेट मी शो यू द एंटायर डिटेल्स ऑफ दिस न्यू रूल्स दैट हैव बीन पब्लिश सेंटर so बैन कर रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक्स दोस्तों राइट right? सो so ये सिंगल यूज प्लास्टिक की जो बैनिंग करी जाने लग रही है यहाँ पर जुलाई 2021 आप इसको एक बार इग्नोर करिएगा राइट? पर मैं आपको बताता हूं दोस्तों नए रूल्स के बारे में सो बेसिकली वॉट वीर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर बैनिंग मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट्स स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यून एज वेल एज सेल यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड दिस बैन विल बी प्रोवाइड इफेक्ट फ्राम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू दोस्तों फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू कमोडिटीज मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक राइट यानी कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक को हमने एग्जेड कराया उसको अलाव कराया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे बैन नहीं करा गया दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा यहाँ पर घुमाएगा एग्जाम के अंदर जैसे मैंने आपको घुमाने की ट्राई करी थी राइट right? उसके अलावा जो परमिटेड थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बैग्स है जो कि करंटली 50 माइक्रॉन्स है उसे इंक्रीज करा जाएगा टू तो 75 फाइव माइक्रॉन्स उसके बाद उसे इंक्रीज करा जाएगा टू तो 120 ट्वेंटी माइक्रॉन्स बट दिस विल बी डन ग्रेजुअली ओवर अ ऑफ़ टाइम ऐसा नहीं है कि एक झटके में कर रहे हैं धीरे धीरे करेंगे दोस्तों एज वी हैव मैं हियर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज वेल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को जिम्मेदारी दी है कि आप मॉनिटर करेंगे इस बैन को और ये सारा सारा पावर्स आपको दिया गया अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है उसको यूज करना अलाउड है दोस्तों जो कि नहीं कवर करा गया कि इसका बैन नहीं करा गया है प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को आपको कलेक्ट करना है मैनेज करना है अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो भी प्रोड्यूसर है इंपोर्टर है या फिर ब्रांड ओनर है जो कि प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जनरेट करने लग रहा है उसे यूज करने की आजादी दी गई है परमिशन दी गई है लेकिन उसको बोला गया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आपको सारी चीजों को कलेक्ट बैक करके प्रोसेस करके मैनेज करना है सारी चीजों को राइट right है दोस्तों बहुत सारे आइटम्स को जो है प्रोहिबिट करा गया है तो जैसे फॉर एग्जांपल ईयरबड विथ प्लास्टिक स्टिक्स प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स आइसक्रीम स्टिक्स पॉलिस्ट फॉर डेकोरेशन

अेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेशन वाइड सेंसस स्टार्ट करा गया रबर के ऊपर दोस्तों तो इसी के बारे में दो स्टेटमेंट दिए आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये जो सेंस है कमेंस अंडर द एज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द सेंसस इज बिंग कैरीड आउट बाय मोबाइल एप्लीकेशन रूबैक डेवलप्ड बाय द रबर बोर्ड आपको दोनों स्टेटमेंट में सोच के बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ऐसा हो सकता है कि ये जो रूबैक करके मोबाइल एप्लीकेशन है इसका और इस सेंसस का कोई लेना देना नहीं है ये शायद कोई और टॉपिक से एसोसिएटेड है ऐसा हो सकता है कि ये सेंसस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं करवा रही है शायद कोई और मिनिस्ट्री करवा रही है

उसके अलावा दोस्तों रबर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर तैयार करा गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्पेसिफिकली राइट right? जुलाई 2021 वाले करंट अफेयर्स के अंदर मैंने ये चीज डिस्कस भी करवाई है दोस्तों जो कल हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर राइट right? उसके अलावा दोस्तों रबर के लिए पॉलिसी भी लाई गई है तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं रबर के सेक्टर की ग्रोथ करवाने के लिए ओके okay? तो न्यूज में बहुत ज्यादा चलने लग रहा है और नेशन वाइड सेंसस करवा दिया रबर के ऊपर वो अलग स्टैटिक में रबर के बारे में पढ़ते हैं वो अलग तो ये बहुत सारे कारण है दोस्तों की इस बार रबर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इसीलिए दो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ ऑन द सेक्टर आंसर यहां पर बनना चाहिए दोस्तों आपका बी राइट right? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वापस से किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है राइट right? uh, श्रीपद आपका आंसर इज सी नीलेष आपका आंसर इज सी राइट यहाँ पर आंसर इज एक्चुअली बी बिकॉज इट इज नॉट बिंग ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये रबर बोर्ड ही करने लग रहा है दोस्तों ये रबर बोर्ड ही सेंसस करने लग रहा है जान बुझ के मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्ल का नाम रख दिया था बिकॉज एग्रीकल्चर सेंस जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है तो शायद इस प्रकार से आपको कन्फ्यूज करना था दोस्तों राइट right? तो so, जो रबर बोर्ड है उन्होंने नेशन वाइड सेंसस स्टार्ट करा है राइट right, कहाँ से स्टार्ट करा है कोटायम डिस्ट्रिक्ट केरला से स्टार्ट करा है तो यह सेंसस के अंदर बहुत सारा डेटा कैप्चर करा जाएगा क्या प्रकार का डेटा कैप्चर करा जाएगा यहाँ बताया गया है दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन रूबैक को यूज करा जाएगा जो कि रबर बोर्ड ने डेवलप करा है टू कैरी आउट दिस सेंसस अब ये जो इंडिया का रबर प्लांटेशन है इट इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल होल्डर्स तो छोटे 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 होल्डर्स है दोस्तों वो अकाउंट फॉर 92% टू परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड 91 परसेंट ऑफ द प्लांटेड एरिया इन द कंट्री तो अगर रबर सेक्टर की प्रोग्रेस होगी तो ऑटोमेटिकली स्मॉल होल्डर्स की प्रोग्रेस होगी यानी कि ऑटोमेटिकली जो आपका वलरेबल सेक्शन है जो आपका पुरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी जो है आपको प्रोग्रेस देखने को मिल पाएगी दोस्तों इसके अलावा नेचुरल रबर का पूरा डिटेल यहां पर दे रखा है कि रबर इज बेसिकली मेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ अ ट्री कॉल्ड हीविया ब्राजील एनेसेंसिस तो ये जो है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल प्रकार का रॉ मटेरियल है दोस्तों इक्वेटोरियल क्रॉप इसे माना जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेटर के नजदीक ही ये ग्रो होता है ट्रॉप ल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो हो सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी रबर को ग्रो करवाया जाता है दोस्तों टेम्परेचर अब हंड्रेड सेंटीमीटर चाहिए वेल ड्रेन एलुवियल पहला रबर प्लांटेशन उन्नीस के अंदर अंग्रेजों ने करवाया था नियर रिवर पेरियार इन केरला इंडिया की बात करें तो इंडिया सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर है राइट टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला है इंडिया के अंदर ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर बात करें तो केरला टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है रबर बोर्ड की बात करें तो दोस्तों It is at Kotaayam, It is very पर आपको घुमा सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने रबर पॉलिसी भी रिलीज करी दो हजार उन्नीस के अंदर ताकि रबर के सेक्टर को प्रॉपरली ग्रो करा जा सके कई सारे स्कीम्स इसके लिए लाए जा, जा चुके हैं जैसे रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर इन मीडियम टर्म फ्रेमवर्क लाया गया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हंड्रेड परसेंट एफ डी आई को भी अप्रूव करा गया प्लांटेशन ऑफ रबर तो ये सारी चीजों को अगर आपने देखा है तो प्लीज गिव मी योर आंसर अगेन फॉर द सेकंड क्वेश्चन अब आपका आंसर क्या होना चाहिए नेशन वाइड ऑन रबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मॉल होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है पहली बार करा जाने लग रहा है बहुत ही रिच डेटा को प्रोड्यूस करा जाएगा और डेटा सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर यह प्रकार का स्टेप हमें मदद करेगा सो वॉट शुड बी द आंसर दोस्तों जलज निलेश श्रीपद एज वेल एज ऑल अदर्स स्टूडेंट्स प्लीज शेयर योर आंसर अगेन क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए नाउ अब मैंने आपको सारा डिटेल बताया है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सारे स्टूडेंट्स वापस से आंसर देंगे अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा दोस्तों हमारी क्लास में नीलेष आपका आंसर इज बी जलज आपका आंसर इज बी श्रीपद व्हाट शुड बी द आंसर द आंसर शुड बी बी ओवर हियर दोस्तों मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है दोस्तों आराम से सोच के आंसर करिएगा दोस्तों इट्स एन इजी क्वेश्चन नाउ फॉर यू केरला इज द टॉप नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया त्रिपुरा इज द टॉप नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हंड्रेड परसेंट एफडीआई इन प्लांटेशन ऑफ रबर इज अलाउड दोस्तों तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको आंसर देना है दोस्तों वट शुड बी द आंसर ओवर हियर प्लीज शेयर योर आंसर राइट अमन एज वेल एज स्वाति गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज शेयर योर आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन राइट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू रबर और मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि रबर से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी हाई है दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर लाया गया है नेशन वाइड सेंसस रबर का पहली बार करवाया गया है दो, दो बार एक्चुअली रबर न्यूज में रह चुका है इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दोस्तों राइट right? चलिए बता दीजिए व्हाट शुड द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन ओके okay. आपको पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट है दोस्तों कौन से स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है एज एज वेल स्वाति आपके आर आर डी योर इन द राइट डायरेक्शन हमने पढ़ा था दोस्तों केरला इज द टॉप नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया त्रिपुरा इज द टॉप नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट ये भी करेक्ट है कई स्टूडेंट्स को लगेगा आंसर आसाम होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए कुछ भी होना चाहिए बट दैट इज नॉट द केस त्रिपुरा इज द टॉप नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टन रीजन ये चीज आप याद कर लीजिए एंड हंड्रेड परसेंट एफडीए की बात मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दी थी दोस्तों आप लोगों को राइट मूविंग अटू द फोर्थ क्वेश्चन मोदी जी ने लॉन्च करें नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी फॉर्मलीसी इसी नेशनल वहीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं पढ़ के आराम से बताइए दोस्तों की कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों राइट right?

क्या प्राइवेट वहीकल्स को 20 इयर्स के बाद डी करा जाएगा कमर्शियल वहीकल्स को 15 साल के बाद डी रजिस्टर वो फिटनेस रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते हैं तो क्या ये 20 एंड 15 करेक्ट है दोस्तों दैट इज पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ये है दोस्तों व्हीकल्स दैट डू नॉट पास ऑटोमेटिक टेस्ट को ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा क्या ये पॉइंट करेक्ट है क्या तो वेहीकल स्क्रैपिंग वॉलेंट्री है दोस्तों या फिर ये मैंडेटरी है पॉलिसी बोल रही है कि इट इज मैंडेटरी फॉर टू फिटनेस टेस्ट क्या ये मैंडेटरी है टू टू फिटनेस फिटनेस टेस्ट टेस्ट या फिर ये है सोच के आपको बताना है दोस्तों कई सारे यहाँ पर ट्विस्ट पॉसिबल हो सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए प्रीति परना का आंसर इज सी श्रीपद जलज का आंसर इज बी नीलेष का आंसर इज सी सो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ओवर हियर एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली टेल यू कि आपने किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है यहाँ पर किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया जिन चार स्टूडेंट्स का मैंने नाम लिया निलेश जलज श्रीपद एज वेल एज एज वेल एज स्वाथी किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है ये घिसा पिटा प्रकार का टॉपिक है ऑलरेडी एक दो बार इसके बारे में बात हो चुकी है एक दो बार और इसके बारे में बात होने वाली है यह प्रकार का फालतू टॉपिक यदि एग्जाम के अंदर उठ के आता है तो आपको इसको जो है सही ढंग से आंसर करना ही है दोस्तों मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ इस टॉपिक के लिए क्योंकि बहुत बार इस टॉपिक को न्यूज में घुमाया जा चुका है और घुमाया जाने वाला है तो आपको ये टॉपिक के बारे में ए टू जेड अंदर बाहर सारी चीजें मालूम होनी चाहिए दोस्तों नोबडी हैज गिवन द राइट आंसर सो फार द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका सही है राइट थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है सेकंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम है क्योंकि जो व्हीकल्स पास करेंगे फिटनेस टेस्ट उन्हें ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा जो पास नहीं करेंगे उनको हम हटा देंगे दोस्तों उसको हम आने ही नहीं देंगे रोड के ऊपर ग्रीन टैक्स ग्रीन टैक्स की बात बहुत दूर की आती है और वो फिटनेस टेस्ट फेल करी है तो उसको हम करेंगे, उसको नहीं चलने देंगे के और जो आपकी कमर्शियल वहीकल है पंद्रह साल बाद उसे डी कर देंगे रिक्वायरमेंट फेल कर जाती है दोस्तों पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया व्हीकल स्क्रैपिंग वॉलेंट्री है आपको करनी है स्क्रैप नहीं करनी आपका चॉइस है सपोज कर लीजिए कि मेरी गाड़ी का मैंने फिटनेस टेस्ट करवाया फिटनेस टेस्ट हो गया ओके okay. तो मेरी चॉइस है मेरे को नहीं करनी स्क्रैपिंग मेरे को चलाते रहना है तो सरकार मुझे पांच साल तक की परमिशन देगी उसे चलाने की पांच साल बाद मुझे वापस से टेस्टिंग करनी पड़ेगी यानी कि पंद्रह साल बाद टेस्टिंग मैंडेटरी है उसकी वापस से साल बाद टेस्टिंग मैंडेटरी है लेकिन उसको स्क्रैप करना नहीं करना वो मेरा चॉइस है सपोज कर लीजिए मेरी गाड़ी फेल हो गई राइट उसने फिटनेस टेस्ट फेल कर दिया तो मैं उसको घर पर लेकर जाके गैराज के अंदर नीचे लगा रखे खड़ा कर दू क्योंकि मेरी पारी आठी है मेरे को नहीं बेचना है तो मेरा चॉइस है ऐसा नहीं है कि फिटनेस टेस्ट फेल हो गया मतलब स्क्रैपिंग को अंदर डायरेक्ट भेज दिया गाड़ी को ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों और एक बार फिटनेस टेस्ट फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वापस से नहीं ले सकते हमारे यूपीएससी एग्जाम जैसे मल्टीपल टाइम ले सकते हैं दोस्तों तो दो बार वापस आपको अपॉर्चुनिटी आप लीजिए अपनी तो एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों यही चीज यहां पर लिखी है।, इस है इसका फॉर्मलट्री इस वही फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वॉलेंट्री है दोस्तों जोर जबरदस्ती नहीं करी जा रही है आपके साथ राइट अब इसमें लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों साढ़े चार सौ से पांच सौ फिटनेस स्टेशन बनाएंगे दोस्तों फिटनेस टेस्टिंग करवाने के हिसाब से राइट पीपीपी बेसिस के ऊपर कर बनवाएंगे प्राइवेट व्हीकल्स विच आर ओवर ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड उनको फिटनेस टेस्ट अंडर को करना पड़ेगा तीन सौ रुपए का ये टेस्ट है दोस्तों ये तीन सौ रुपए लिखने के बाद है जब आप करवाने जाएंगे तो उसके अंदर ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा दोस्तों ठीक है तो प्राइवेट व्हीकल्स को बीस साल के बाद डी रजिस्टर करेंगे कमर्शियल व्हीकल्स को पंद्रह साल के बाद डी रजिस्टर करेंगे सिक्सटी सेवेंटी स्क्रैपिंग सेंटर्स बनाएंगे दोस्तों और इंडिया में वो 150-200 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा व्हीकल्स जो पास करती है ऑटोमेटिक टेस्ट उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगेगा राइट right? ओनर्स क्या करेंगे 10 से 25 परसेंट रोड टैक्स जो भी वो टाइम पे रहेगा उसको पे करेंगे दोस्तों री रजिस्ट्रेशन फीस को पे करेंगे क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि पुरानी गाड़ियां चले इसीलिए जो गाड़ियां पास भी हो रही है उनके ऊपर भी ग्रीन टैक्स लगने लग रहा है बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे वो पुरानी गाड़ियां हैं वो फ्यूल इन गाड़ियां हैं उनको हमारे को वैसे तो स्क्रैप करना चाहिए वहीकल ओनर्स के ऊपर टैक्स ही इसलिए लगाया जा रहा है ताकि वहीकल ओनर सोचा यार टैक्स कौन पे करेगा छोड़ देते नई गाड़ी खरीद लेते हैं इस प्रकार से इंड्यूस करने के लिए टैक्स को लगाने की बात करी जा रही है पेनल्टी है दोस्तों अगर आपने फालतू गाड़ी चलाई जो फेल कर चुकी टेस्ट को तो आपकी गाड़ी को इंपाउंड कर लिया जाएगा आपके ऊपर भारी भारी पेनल्टी लगाई जाएगी चॉइस आपका है आपको स्क्रैप करना है नहीं करना है वो चॉइस आपका है लेकिन टेस्टिंग करवानी पड़ेगी ये मैंडेटरी है दोस्तों टेस्टिंग करवाने से आप बच नहीं सकते हैं पूरा प्लान उसके फायदे सारी चीज मैंने आपको इस वैल्यू एडिड नोट के अंदर दे रखी है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडरस्कोर के ऊपर से डाउनलोड करके पढ़ना है दोस्तों अब आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर वापस से बताइए सारे दोस्तों वापस बताइए राइट प्रीतिपर्ना निलेश, स्वाति श्रीपद जलज एज वेल एस जी एज वेल एज सारे स्टूडेंट्स हु राइट जो आंसर नहीं दे रहे हैं एकदम चुपचाप बैठे हैं चुपचाप मत बैठिए वापस आंसर बताइए दोस्तों सारी चीज दिखाई समझाई उसके बाद वापस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं ताकि आपको सही आंसर देने की एक हैबिट हैबिट बने दोस्तों habit बनानी है हमारे को सही आंसर आंसर देने की फोर्थ क्वेश्चन का answer, प्राची तिवारी प्रीति प्रीतिपर्णा जलज ने अब ए दिया है ए इज द राइट आंसर मूविंग हाइट टू द फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से बढ़िएगा दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर शायद आपको राइट right? दो स्टेटमेंट दिए बताने कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया के अंदर एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो द माइलस्टोन ऑफ 100 गॉट्स इंडिया टू अब देखिए दोस्तों यहां पर दो चीजें आपको प्रॉब्लम कर सकती है पहली बात तो ये है कि आपको नंबर चेक करने, क्या ये बराबर है क्या दूसरा आपको क्या चेक करना है कि यहां पर दोनों जगह पर एक ही चीज लिखी हुई है एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो क्या ये बराबर ये आपको टेस्ट करना है

साई कुमार आप जो भी आंसर दे रहे हैं वो आप नंबर लगा कर दीजिए तो साई कुमार जो आपका आंसर ए है इज इट फाइव ए और इज इट फोर ए जो भी आपका आंसर है प्लीज नंबर लगा कर दीजिए सो दैट मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं दोस्तों प्रीति परना का आंसर इज ए प्राची तिवारी एंड जलज का आंसर इज फाइव सी श्रीपद का आंसर इज फाइव सी सारे स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर देंगे दोस्तों ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज शेयर योर आंसर चुप मत बैठिए यहां पर दोस्तों आंसर शुड बी सी

फिफ्थ पोजीशन है सोलार के अंदर फोर्थ पोजीशन है विंड के अंदर इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट 100 गीगावाट्स का टारगेट हमने अचीव कर लिया है पचास गीगावाट अंडर इंस्टॉलेशन है सत्ताईस गीगावाट के ऊपर टेंडरिंग का काम चलने लग रहा है अब ये नंबर को अगर आप ऐड करेंगे सौ पचास और सत्ताईस तो का नंबर आएगा तो ये नंबर क्यों दिया गया हमारे पी आई बी के अंदर इसीलिए दिया गया दोस्तों क्योंकि पंद्रह सोलह के अंदर मोदी जी ने वन सेवेंटी फाइव गीट का टारगेट सेट करवाए थे दो हजार बाईस तक कि दो हजार बाईस तक वन सेवन सेन सेवेंटी फाइव गीगा वोट ऑफ रिन्य कर देंगे एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो तो ये प्रकार का टारगेट हमारा है इसीलिए ये प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई है सौ प्लस पचास प्लस सत्ताईस आपका करेंगे तो एक सौ का नंबर आ जाएगा तो 2022 खत्म होने तक एटलीस्ट वन सेवेंटी होना चाहिए और हाल फिलहाल की जो रफ्तार रही है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने करने की उसको देखकर नहीं लगता है कि दोस्तों इंडिया ये टारगेट अचीव वाला है तो बहुत ज्यादा तेजी से काम करने की रिक्वायरमेंट है विदाउट फोजिंग द डेटा दोस्तों राइट तो यहां पर अगर आप सारी चीजों को देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है क्योंकि एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो 100 हंड्रेड हमने अचीव करा है एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो 175 सेवेंटी का टारगेट है अंटिल 2022 दोस्तों यहां पर आंसर बनना चाहिए था सी

र्टी हाई क्वालिटी एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं दोस्तों थर्टी हाई क्वालिटी एमसीक्यूज दोस्तों ये प्लस कोर्स रहने वाला है यानी कि पेड कोर्स रहने वाला है सब्सक्राइबर्स ओनली के लिए कोर्स रहने वाला है दोस्तों तो अगर आप सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कोर्स आपको एक बहुत अच्छा कोर्स लग सकता है जिसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं तो बेसिकली करंट अफेयर्स के अंदर पूरा ए टू जेड काम करने लग रहे हैं दोस्तों वन पी टू थ्री पी पे हम आपको करंट अफेयर सिखा रहे हैं 6 PM to 8 PM आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं लग रहा है बहुती rich, बहुती और शेयर करी जाने लग रही है एंड ऑब्वियसली मॉर्निंग के लेक्चर्स तो चलते ही रहेंगे दोस्तों अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन दोस्तों लेकिन अगर आपको पुराना कवर करना है तो फिर आपको प्लस कोर्स के अंदर आ जाना चाहिए राइट right है दोस्तों तो चलिए बता दीजिए वॉट इज द आंसर फॉर दिक्स क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स स्वाती

क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों स्वाति इज द आंसर निलेश प्राची प्रीतिपर्णा जलज सिक्स क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों यहां पर आंसर है डी तीनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो है 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 नॉट नॉट करेक्ट करेक्ट राइट वाई बिकॉज एट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ये पास होने लग रहा है श्रीपति और आंसर इज करेक्ट सिक्किम से भी ये पास होने लग रहा है स्टेटमेंट टू नॉट करेक्ट है बिकॉज ये पाइप कुकिंग गैस हाउस होल्ड एज वेल एस सी एनजी टू ऑटोमोबाइल एज वेल एस फ्यूल टू इंडस्ट्री सारी चीजें सप्लाई करेगा स्टेटमेंट थ्री इन करेक्ट है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न पाइपलाइन ग्रिड है ये इंद्रधनुष गैस ग्रिड विच इज बेसिकली अ ज्वाइंट वेंचर फाइव ये इंप्लीमेंट करने लग रहा है सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट स्टेटमेंट्स ओवर हियर सिक्स क्वेश्चन का आंसर श्रीपद का करेक्ट था प्रीति परना का आंसर करेक्ट था दोस्तों सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोथ द स्टेटमेंट्स ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट पूरा डिटेल यहां पर आपको दे रखा है आपको इस नोट को डाउनलोड करके जरूर पढ़ना है दोस्तों मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन नेशनल क्रेश स्कीम के बारे में क्वेश्चन है अगेन तीन स्टेटमेंट है और अगेन क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेटमेंट इन करेक्ट है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे इंप्लीमेंट करा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इसका फीचर ये है दोस्तों वन ऑफ द फीचर स्कीम इंक्लूड प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इन द द्री टू सिक्स का ब्रैकेट के अंदर तीन स्टेटमेंट है दोस्तों फैक्चुअल प्रकार के स्टेटमेंट है क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम है क्या इसके अंदर हम प्री स्कूल एजुकेशन देने लग रहे हैं ये आपको बताना है

नेशनल क्रश स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम सो दोस्तों द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी बी वन एंड टू ओनली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं ये है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम नहीं है दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट यही चीज मैंने आपको यहां पर समझाई है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वेमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है पहले इस प्रकार की स्कीम को हम राजीव गांधी नेशनल क्रेश स्कीम कहा करते थे दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रकार की स्कीम है 2017 से हम इसे इंप्लीमेंट करने लग रहे हैं ताकि डे केयर प्रोवाइड कर सके उन बच्चों को जो कि सिक्स मंथ्स टू सिक्स इयर्स के एज ग्रुप के बच्चे बीच में है और उनकी वर्किंग मदर्स है सिंस द मदर्स हैव टू वर्क सो समू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड तो वो बच्चे को क्रेश के अंदर छोड़ा जा सकता है दोस्तों सो डे केयर फैसिलिटीज दी जा रही है अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो थ्री इस प्री स्कूल एजुकेशन फॉर थ्री टू सिक्स दिया जाएगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा ग्रोथ मॉनिटरिंग करी जाएगी हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन में भी हेल्प करी जाएगी दोस्तों सो योर सेवंथ क्वेश्चन का आंसर ओवर हियर सेवंथ क्वेश्चन का आंसर शुड हैव बीन बी दोस्तों इज द आंसर इट शुड बी बी बिकॉज पहले दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है इज इट क्लियर अनुराग सिंह प्राची तिवारी राइट मनु खाजूरिया इज इट क्लियर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर शुड बी बी प्लीज गिव अ थम्स अप अगर आपको समझ में आ चुका है तो मूविंग अहेड टू द एथ क्वेश्चन एट्थ एंड नाइन्थ क्वेश्चन हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों आपको चार स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ज ऑफ टर्टल्स आर हर्बी वोरसिज ऑफ फिश आर हर्बी वोरसिज ऑफ मरीन एंड स्नेक्स आर विवी पैरस आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये प्रकार का स्टेटमेंट ये प्रकार का क्वेश्चन दो हजार उन्नीस के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया था दोस्तों राइट सो so अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया तो प्लीज शेयर योर आंसर प्लीज शेयर योर आंसर दोस्तों शुड बी देंसर फॉर द एट्थ क्वेश्चन अनिर्बान योर आंसर इज डी ओके अनिर्बान का आंसर इज डी साई कुमार का आंसर इज डी ओके सो फ्रेंड्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन डी डी कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है

Snake statement 4 is correct. Snakes that are viviparous nourish their developing young through a placenta and yolk sac, something that is highly unusual among reptiles. All the statements are correct over here. Okay. यू कैन सी दट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन डट वॉज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दूडेंट्स को एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ता था दोस्तों तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है क्योंकि एग्जाम के अंदर कम से कम एटलीस्ट आपको 10 से 15 स्टेटमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको एक्चुअल में एग्जाम में लीव कर देने अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए मूविंग अ टू द नाइन्थ क्वेश्चन अगेन दिस इज इ डिफिकल क्वेश्चन इन माई ओपिनियन एट लीस्ट विचर द फोइंग आर इन अगस्थिया मलाई बायोस्फिर रिजर्व नैयर पेपरा एंड शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कलक्कड़ मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व राइट आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है अगर आप एक स्टेटमेंट को रीड करने की कोशिश करेंगे यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस एरिया यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर रीजन देन यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जस्ट रीडिंग द ऑप्शन विच इज वाई सेट दिस इज़ a difficult क्वेश्चन कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्कस होते हैं Exactly मालूम होना कि कौन से वाइल्ड लाइफ सैंकुरी नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है दैट कैन भी स्लाइटली चैलेंजिंग दोस्तों ऑल दो एलिमिनेशन के माध्यम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बट अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते लेटेस्ट से आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं सो दे इट इज़ बेस्ट दैट यू डू नॉट ट्राई टू स्पेंड टाइम ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज एग्जाम के अंदर बहुत टाइम आपका निकल सकता है दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों मनु एज वेल वेल एज प्राची निलेश अनुराग साई वॉट शुड बी द आंसर फॉर द नाइन्थ क्वेश्चन इज ए दोस्तों नैयार पेपारा एज वेल एज शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलक्कड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व दिस इज वॉट इज द कंपोजिशन ऑफ द अगस्तिया मिलाई बायोस्फिर रिजर्व So, प्राची का आंसर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट दोस्तों प्रीति परना का आंसर वॉज करेट बाकी सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग डायरेक्शन आपको वो के बचना चाहिए दोस्तों मूविंग अ टू द टेंथ क्वेश्चन दोस्तों ऑफ बजट बोरोइंग्स आर द लोन आर टेकन नॉट बाय देंट्र गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑफ बजट बोरइंग्स आर कैल्कुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट दो स्टेटमेंट आपको बताने नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है Why is off in news? ने के नदर, अपने जो बजट निकला है उसके अंदर दे हैव इंक्लूडेड ऑफ बजेट बोरोइंग इन टू द फिजिकल डेफिसिट एजल्ट ऑफ ए फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया दोस्तों राइट right? सो so, ये रीजन है दैट इज द प्राइम रीजन वाई वी आर टॉकिंग अब दिस टॉपिक ऑफ ऑफ बजट बोरोइंग राइट क्वेश्चन के अंदर आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया दोस्तों पर आंसर शुड बी बी एज आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि ऑफ बजट इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट इज नॉट तो गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही है राइट लेट हुटेस्ट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज बोर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट तो जो भी फूड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए राधर देन बोरो एंड गिव दैट मनी टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोल देती थी कि तुम पैसा बाहर से बोर कर लो तो वो हमारे बजट के ऊपर नहीं दिखाई देगा तो हमारे फिजिकल डेफिसिट में नहीं दिखाई देगा बट दैट इज बेसिकली चीटिंग दैट इज बेसिकली स्लेट ऑफ हैंड है दोस्तों एक मतलब जो बोलते हैं ना चालाकी है कि रादर देन बोरो एंड गिव मनी टू गवर्नमेंट एजेंसीज विच नीड मनी वी आर आस्किंग दोज एजेंसीज टू बोरो फ्रॉम द मार्केट डायरेक्टली ताकि गवर्नमेंट के बजट के ऊपर वो बोरोइंग ना दिखाई दे ये ऑफ बजट बोरोइंग्स को हम फिजिकल डेफिसिट के अंदर इंक्लूड नहीं करते थे इसीलिए इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कम दिखाई देता था सिंस हमने ऑफ बजट बोरोइंग को इस साल फिजिकल डेफिसिट के अंदर इंक्लूड करें बजट के ऊपर लेकर आ गए हैं

तो उसको फिजिकल डेफिसिट में नहीं इंक्लूड करा जाता था राइट हम पब्लिक एजेंसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बोला करते थे कि आप खुद जाके जो है बाहर से बोरो कर लो ट right? ये जो ऑफ बजट है ये लोन्स है जो कि सेंटर खुद नहीं ले रहा है लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एफ सी आई को बोल रहा है कि आपको जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट बाहर से बोरो कर लो यानी कि फॉर्मली ये बोरोइंग सेंटर के ऊपर नहीं थी लेकिन इनफॉर्मली सब जानते हैं कि ये सेंटर की ही बोरोइंग है इनडायरेक्ट प्रकार की बोरोइंग है ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट बोरोइंग करी जाने लग रही है ये का यूटिलाइजेशन भी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट है अगर कोई भी चीज बोरो करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वो उसका जो भी एक्सपेंडिचर है वो पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोरोइंग खरी नहीं है अपनी एजेंसी से बॉरोइंग करवाई है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है दोस्तों राइट फूड सब्सिडी की बात जैसे करते हैं दोस्तों तो फूड सब्सिडी एक मेजर एक्सपेंडिचर है सेंटर का राइट गवर्नमेंट पेड ओनली हाफ द अमाउंट बजेटेड राइट टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भी फूड सब्सिडी का तो केवल हाफ अमाउंट गवर्नमेंट ने पे करा तो आधा जो पैसा नहीं पे कर रहा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए था वो पैसा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में से बोरो कर लिया तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ कि सेंटर ने यह दिखा दिया कि हमने फूड सब्सिडी को कंट्रोल कर लिया लेकिन फूड सब्सिडी को कंट्रोल नहीं कर रहा आधा आपने छुपा दिया है आधा आपने ढक लिया है दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर आठ करोड़ नौ करोड़ दस करोड़ हमने कनेक्शन तो बांट दिए पैसा कहां से आया तो हमने बोला पब्लिक सेक्टर की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो पे करेगी तो अगर जो भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को स्कीम की वजह से घाटा होने लग रहा है उसके लिए जो बोरोइंग करनी पड़ेगी तो वो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ करेगी भारत सरकार नहीं करेगी दोस्तों उसी प्रकार से फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी थी दोस्तों तो उसके अंदर बोल दिया कि इसको भी ऑफ बजट दिखा दो पीएसयू बैंक से लोन ले लिया दोस्तों फर्टिलाइजर कंपनियों को उठा के लोन दिलवा दिया इसको भी ऑफ बजट एक्सपेंसिस के अंदर मैच करवा दिया दोस्तों तो आप देख रहे थे कि बड़ा ची बड़े धोके धोखे दरी, तरीके से दोस्तों फिजिकल डेफिसिट को कम दिखाया जाने लग रहा था और ऐसा नहीं है कि सरकार पहली बार कर रही थी दसों साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है जस्ट दैट की प्रैक्टिस बढ़ती जाने लग रही थी बढ़ती जाने लग रही थी और सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने बोलना शुरू कर दिया था कि जो सरकार के आंकड़े वो फर्ज आंकड़े हैं सरकार के आंकड़े वो मैन्यपुलेटेड आंकड़े हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैन्यूपलेन क्या था अब जाके वो मैन्यूपुलेशन को बंद करा है सरकार ने बोला कि बंद करो ये सब फालतू काम और जो भी फिजिकल है उसको एक्चुअल में एक्नॉलेज करो जो भी ऑफ बजट बोरेंगे

वाई डिड द गवर्मेंट टेक दिस स्टेप एंड इज सो इंपॉर्टेंट इट इज सो इम्पॉर्टें बिकॉज गवर्नमेंट ने फाइनली ये एक्सेप्ट करा है कि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड शुड भी क्लीन और फाइनेंशियल ऑपरेशन शुड भी ट्रांसपेरेंट एंड ये जो हम करने लग रहे हैं उससे हम किसी को बेवकूफ नहीं बना पा रहे हैं सिर्फ अपना मजाक बनवा पा रहे हैं श्रीपद दैट इज वाई गवर्मेंट इज एक्सेप्टिंग अब जैसे फॉर एक्जाम्पल जी डी पी कैलकुलेशन के ऊपर बहुत शक है लोगों को कि जो भी जी डी पी कैलकुलेशन होने लग रहा है दैट इज बेसिकली फर्स्ट जो डेटा आने लग रहा है वो बराबर डेटा नहीं है वो ऑथेंटिक डेटा नहीं है वो डेटा का जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर लोगों को शक है तो अगर जिस दिन आपके देश के डेटा के ऊपर लोगों की ऑथेंटिसिटी के ऊपर लोगों को शक हो जाता है दैट विल भी अ वेरी बैड डे बिकॉज ऑल सडन डन जिस दिन आपका डेटा फर्ज लगने लग गया जिस दिन आपके डेटा के ऊपर विश्वास उठ गया उस दिन आप सारी चीजें जो अच्छी भी बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि झूठ बोलने लग रहा है तो ये बेसिक बहुत ही सिंपल रूल है दोस्तों कि झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर शक होगा आपकी रेपुटेशन का लॉस होगा रेपुटेशन का लॉस होगा इन्वेस्टर पैसा डालेगा नहीं इन्वेस्टर पैसा डालेगा नहीं कोई लोन देगा नहीं कोई लोन देगा नहीं तो देश को प्रॉब्लम होगी कॉरपोरेट सेक्टर को बोरिंग में प्रॉब्लम होगी एट दी एंड ऑफ द डे इकोमी सफर करेगी दोस्तों तो ये बेसिक

फूड सब्सिडी देना काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो सिर्फ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बोरो क्यों कर रही है क्योंकि जिसका काम है वो पैसा नहीं दे रहा है तो हमने उस चीज को अक्नॉलेज करा है श्रीपत आई थिंक आई हैव आंसर द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग आपके दो सवाल थे कि ऐसा क्यों करा ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था और अब हमने फाइनली अक्नॉलेज क्यों करा ये सारी चीजों को तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन करा है श्रीपत इफ देर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी अगेन बट आई थिंक आई हैव आंसर योर क्वेश्चन राइट सो फ्रेंड्स प्लीज शेयर योर स्कोर श्रीपद परना स्वाति रितेश एज वेल एज जलज एज वेल एज निलेश ऑल ऑफ यू गाइस व्हाट आर योर स्कोर्स प्लीज शेयर योर स्कोर्स सो दोस्तों विद दिस दिस विल ब्रिंग सेशन टू एन एंड ओके सी यू अगेन इन द प्लस कोर्स सी यू अगेन टुमारो एट सेम टाइम एट 8:45 फोर्टी फाइव ए एम जहाँ पर हम दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके साथ डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर वेल फॉर करंट अफेयर्स आपको इन सेशन्स को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए अन अकेडमी अंडर्स को अविनाश मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर से आपको नोट को डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए दोस्तों सो विद दिस विल ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों